हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अभी और एक मैं केस स्टडी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। आजकल तो ये प्रॉब्लम काफ़ी घरों में दिखता है। माँ बाप को तो मतलब बहुत परेशान है, माँ बाप बहुत चिंतित है कि घर से लड़की यदि बाहर जाती है तो उसका क्या कुछ चालू है, क्या कहीं प्यार में तो नहीं है, क्या कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, मतलब यहाँ से इतना संपर्क हो चुका है, यहाँ से इतनी सारी जानकारी इधर से उधर जाती है, तो बहुत चिंतित रहते हैं। अभी एक माँ बाप ने मुझे एक मतलब मेरे सब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए एक लड़की लाई, अंदाजे उसकी उम्र 19-20 साल की होंगी। तो उसको 12th करने के लिए उन्होंने अपने, वो छोटे गाँव में रहते हैं, वहाँ से उन्होंने बड़े शहर में भेजा कि भाई बड़े शहर में अच्छे कॉलेज में जाएंगे, 11th 12th वहाँ करेगी। और 12th में अभी क्या होता है, इसमें माँ बाप की भी गलती होती है। 12th में जैसे वो गई और उन्हें बोला कि नहीं, अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको करने का है, तो उसको बोले तुम बीकॉम में एडमिशन ले ले। और उसने 11th 12th वो मतलब कॉमर्स के सब्जेक्ट लिए और उसको बीकॉम करने का था। 12th में उसको बीकॉम की भी ट्यूशन, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी, उसके लिए भी तैयारी चालू करो, वो हिसाब से उसकी तैयारी चालू कर दिया। मगर वो माँ बाप को ये पता नहीं चला कि ज़्यादा पैसे क्यों मांग रही है। 12th क्लास में उसको खर्चे पाने से भी ज़्यादा पैसे लग रहे थे, मगर उन्होंने देखा कि ठीक है भाई, क्लास लगा रही है, कुछ तो भी कोई नया कोई कोर्स चालू कर रही है, इसलिए पैसे मांगती होंगी। नॉर्मली जो लड़की को खर्चा हो रहा था 11th स्टैंडर्ड में, उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल पैसा उसको 12वीं क्लास में उसको लगना चालू हो गया। अभी धीरे धीरे उनको ये मालूम पड़ा अपने दोस्तों से कि भाई ये फेसबुक में एक फ्रेंड उसके संपर्क में आ गया, एक लड़का उसके संपर्क में आ गया और वहाँ से वो फेसबुक फ्रेंड बन के अभी उसके साथ में उसका प्यार चालू है, डेटिंग चालू है। उसको मेरे पास में लाया, बोले हाँ मेरे को बॉयफ्रेंड है, मेरे जाति का नहीं है तो क्या हो गया। मतलब जो प्रेम रोग बोलते हैं ना कि प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, अभी बोलते मेरे को उसके साथ में शादी करने की, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अब माँ बाप बोल रहे कि वो हमारे जाति का नहीं है, वो लड़का जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका अता पता नहीं, उसके फादर कहाँ, मदर फादर कहाँ है वो बता नहीं रहा है, बोलता कि हाँ है उधर जाऊँ मैं लेके जाऊँगा वगैरह। अभी इसके साथ में शादी करना ही कैसे। तो उन्होंने उसको फिर अपने खेड़े में, देहात में वापस लेके आए कि अभी नहीं, तेरा अभी एजुकेशन भी हमको करने का नहीं, वापस। अब घर में बैठी बैठी लड़की, वो पिछले 6-8 महीने से घर में है, अब घर में बोर हो गई, वो बोलती मेरे को बाहर जाने दो, उसका मोबाइल छीन लिया है, मोबाइल उसके पास में नहीं है, बाकी सोशल मीडिया का कोई माध्यम नहीं है, कुछ नहीं है, उसको घर में बैठ। अब माँ बाप की बोले तो गलती है, बोले तो गलती नहीं है, बोलते ये बाहर गई तो ये उसके साथ में संपर्क करके हमको उसको बाहर जाने देना नहीं है, तो वो घर में बैठी हुई है, उसके ऊपर वॉच है, पिछले 6-8 महीने से इट्स लाइक जेल, जेल में जैसी बंदी हुई है, बोलती मेरे को बाहर जाने दो नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। घर घर में ये प्रॉब्लम है, अभी लड़कों के प्रॉब्लम है, लड़कियों के प्रॉब्लम है कि एक बार अभी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग ये इतना चालू है अभी कि माँ बाप को चिंता है कि अभी करना क्या। मेरे पास में लाया कि आपने इसको हिप्नोटाइज करो, हिप्नोटाइज करके इसके मन में जो लड़का बैठा हुआ है उसको निकालो। अभी ऐसा होता नहीं है हिप्नोसिस में, है ना, कि भाई ऐसा मन में बैठा हुआ लड़का निकालो, उसका उसका प्यार जो उसके प्रति है वो निकाल डालो। फिर बोले इसको कोचिंग करो, मतलब हाँ कोचिंग हो सकता है, मानसोपचार हो सकता है, साइकोथेरेपी हो सकती है, कुछ उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसको रियलिटी को प्रेजेंट करवा सकते हैं और वो हम सेशन करेंगे। तो हमने वो सेशन चालू किया उसके साथ में और उसको धीरे 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 मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तेरे तरफ से हूँ, मैं कोई अपोजिशन में नहीं हूँ, तेरे डैडी ने तेरे को मेरे पास में लाया है, इसका मतलब मैं उनके तरफ से हूँ ऐसा नहीं हूँ, मैं तेरे मतलब की बात करूँगा, तुमको चाहिए क्या उसकी बात करूंगा। अब वो तो शुरू शुरू में तो इतना रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं मेरे को तो वो लड़के से ही शादी करना है, मगर धीरे 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 4 सीटिंग जब हो गए, जब उसको एक इमोशंस जो है वो थोड़े डाउन हो गए, साइलेंट हो गए, तो धीरे 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 वो उसको एहसास होने लगा कि नहीं जो मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं, वो बराबर नहीं है। तो ऐसे लड़कियों की तरफ मतलब गलती कैसी होती है माँ बाप की कि भाई लड़की बाहर भेजा तो खर्चे ज़्यादा हो रहे क्या, घर से बाहर बाहर ज़्यादा रह रही क्या, वो बाहर जाती है तो करती क्या है, ट्यूशन बराबर जा रही कि नहीं जा रही है, किसके साथ में बातचीत करती है, मोबाइल तो आज के ज़माने में सबके पास में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, तो ये मोबाइल व्हाट्सएप का मतलब ये करती क्या है, सोती कितने बजे है। तो लड़के लड़कियाँ क्या करती कि रात रात भर अपने कमरे में बस लाइट तो ऑफ है और चालू उनका व्हाट्सएप एंड चैटिंग चालू है, तो वो कर रहे क्या है। तो मतलब माँ बाप को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी पीढ़ी जो है ये बर्बाद होने वाली है।
इसमें, क्योंकि मतलब एक नया कल्चर तैयार हो गया, ये एडिक्शन हो गया व्हाट्सएप फेसबुक का, और लोग नए नए लोगों संपर्क में आ रहे। आप देखो कहीं भी जाओ चार लोग बैठे हुए हैं तो बातचीत नहीं करेंगे, चार लोग अपने अपने व्हाट्सएप खोल के, अपना अपना व्हाट्सएप खोल के वो व्हाट्सएप अपन चैटिंग करना चाहो लोगों का। तो ये नई पीढ़ी को माँ बाप ने कंट्रोल करना, उनको क्या चाहिए, उनका एम क्या है, उनको आगे करना क्या है, क्योंकि उम्र का तकाता ऐसा है कि 17-18 साल 19 साल ये जो उम्र के जो साल है इसमें उम्र का तकाता है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते रहते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होते रहता है, और कुछ भी दिख गया तो भी वहाँ ना जात ना पात ना धर्म कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण रहता है, और उसमें बच्चे कुछ भी करते हैं, मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और फिर घर में झगड़े चालू होते हैं। अब ये घर में जो मेरे पास में लाई अभी, वो तो बोलते हैं कि तू वो लड़की से, तू वो लड़के से यदि शादी करती है या जाती है निकल के तो हम तेरे को मार डालेंगे या खुद आत्महत्या कर लेंगे, माँ बाप बोलते हैं। मतलब उनका इतना है कि वो उनके धर्म में ये चलता ही नहीं है कि भाई परजाति के लड़के के साथ में शादी की, जात के धर्म के छोड़ो पॉसिबल ही नहीं है, बोले हम तो हमारा गला काट लेंगे या हम खुदकुशी कर लेंगे या तेरे को मार डालेंगे, मतलब यहाँ तक बात आ चुकी है। तो इनको धीरे 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 साइकोथेरेपी करके, उनसे बातचीत करके, उनके दुनिया में जाके वो क्या डील कर रहे बच्चे लोग, तो माँ बाप ने इनके लिए टाइम देना जरूरी है, उनके दुनिया में जाना जरूरी है, वो क्या डील कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या डील कर रहे हैं उनके साथ में बैठे, उनके यदि फ्रेंड बनते हैं बच्चों के तो वो फ्रेंड जैसी बातें करके पूरा मन का निकाल देंगे। तो जो एडिक्शन है, सोशल एडिक्शन मतलब सोशल मीडिया एडिक्शन, तो इसके लिए उनके हाथ में ही नहीं देना मोबाइल, या देना तो कोई लिमिटेड अवर्स में देना, या फिर एक काम है कि उनका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, उनको करना क्या है, क्योंकि यदि बड़ा कुछ काम करना है, बड़े यदि प्रोजेक्ट्स है, बड़ा कोई ध्येय है, कोई एम है, कोई गोल है, और उसके लिए वो काम कर रहा है तो नेचुरली फिर छोटी छोटी बातें वो कम करेगा, क्योंकि जब बड़ा कुछ करना है तो फिर अपने को टाइम ही नहीं है। तो बच्चों को एम फिक्स करना, आगे करना क्या है, गोल क्या फिक्स करने का है, ज़िंदगी में करना क्या है, वो बातचीत करके उनका यदि गोल फिक्स होता है तो बच्चा खुद होके ही व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर जाएगा नहीं, और खुद होके उसका एडिक्शन, उसको नशा, उसकी लत लगेंगी नहीं। आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगा, आपके दोस्त होंगे उनके बच्चों को प्रॉब्लम होंगे, तो जरूरी वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि उसमें से वो भी रास्ता निकाल सकेंगे, और जो नई पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है इसमें से, उसमें से हम नई पीढ़ी का एक नया अच्छा, अच्छी पीढ़ी का, नया पीढ़ी का हम निर्माण करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।